तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ और एक वीडियो के साथ। और इस वाली पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर दो टकले लोग आपस में भिड़ जाए तो कौन किसको पेलेगा। एक तरफ है गाइस टेट एडम, जो कि अब उसका खुद का नाम बदल के ब्लैक एडम कर दिया है, और उसके दूसरी तरफ है गाइस वन पंच मैन, या फिर कह सकते हो साइतामा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द बैटल ऑफ बॉल्ड। तो पहले हम ब्लैक एडम की पावर, एबिलिटीज, लाइफस्टाइल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का एक एंटी हीरो है ये, और ये सिक्स गॉड्स की पावर अपने पास रखती है। और साजा मोड बोलते गए जिसका पावर आ जाता है, और साजा मोड बोलते इसका पावर चला भी जाता है। और पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है इनह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड। और गाइस इसका सबसे बड़ा फीड मुझे जो लगा हुआ है गाइस, ये सुपरमैन को भी टक्कर दे चुका है, और कभी कभी तो हरा भी दिया है कॉमिक में। और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इफोर्टलेसली 1,00,000 टन तक उठा सकता है, आराम से स्टील को भी तोड़ सकता है, और दीवार के आर पार भी मार सकता है, और भारी से भारी ऑब्जेक्ट ये उठा सकता है। स्पीड की बात करें तो ये अर्थ के ऊपर 2.5 माइल्स पर सेकेंड में फ्लाई एंड मूव कर सकता है। स्पेस में ये लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। ये सब छोड़ के भी इसके पास है मैजिक पावर, लाइटनिंग पावर। और इसका वीकनेस की बात करें तो इसका वीकनेस है गाइस इटर्नियम, मतलब सुपरमैन की जैसे क्रिप्टोनियन, और इसका है गाइस इटर्नियम। तो ये था गाइस हमारा ब्लैक एडम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टकले की ओर, साइतामा। वन पंच मैन यूनिवर्स का मैन प्रोटैगनिस्ट, जो ट्रेनिंग के थ्रू गॉड लेवल पावर अचीव किया है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा लॉजिकेबल नहीं लग रहा है, और ये खुद ही कहा था एक बार कि 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रन डेली 3 साल लगातार करने से इसको ये पावर मिली है। और इसकी पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो ये नॉर्मल ह्यूमन जो कर सकता है वो लिमिटलेस होके कर सकता है, मतलब इसके पास यूनिक कोई पावर नहीं है, ना ये सुपरमैन के जैसे उड़ सकता है, हीट विजन, कोल्ड ब्रीथ कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास है गाइस प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कि गॉड लेवल पे है इसका। सामने कोई भी हो, मॉन्स्टर हो, गॉड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको एक ही पंच में खत्म कर देता है सबको। इतना पावर से ये अपने लाइफ से बोर हो चुका है। एंड इसकी फिट्स के बारे में बात करें तो अपने पंच के शॉक वेव से ही माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा अर्थ का क्लाइमेट चेंज कर सकता है। अपने सीरीज का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बोरोस को एक सीरियस पंच में ही खत्म कर दिया था, जो कि गाइस पूरा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता था। और इस बंदे के स्पीड इतना है कि मून से अर्थ का डिस्टेंस सिर्फ 2 सेकंड में कवर किया था, और ये कभी भी इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया। और ड्यूरेबिलिटी की बात किया जाए तो इसका पूरा सीरीज में इसको कोई भी खून तो दूर की बात है गाइस, इसको खरोच तक नहीं आया, मतलब गुदगुदी तक नहीं कर पाए इसको कभी भी। और तुम अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल का रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, व्यूज ही नहीं आ रहा, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो फाइनली गाइस, हम हमारे इस वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं, एंड इन दिस बैटल ऑफ बॉल्ड द विनर इज all kinds of